नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित एरोज होटल में सीडी फाउंडेशन के द्वारा एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था कॉफी मॉर्निंग विद एम्बेसी ऑफ किर्गिस्तान। इस मौके पर किर्गिस्तान के एम्बेसडर असीन असेफ मौजूद रहे, साथ ही इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर शिवानी कश्यप भी मौजूद रही। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा असीन असेफ ने, आइए सुनते हैं। I am happy. I am 2 years already. I am feeling that I am amongst my friends. Today a lot of Indian friends told us that they visited Kyrgyzstan a few times and they felt that we have a lot of similar. Because of I can opportunity to meet new people and call my Indian friends and big India as a our big home. So it's very easy to work here. Kyrgyz-Indian relationship. First time we would like to attract City Foundation to do something with Kyrgyzstan. Now after I hope successful experience of City Foundation cooperation with Kyrgyzstan, already City Foundation helped us to attract other foundations and other business Indian businessmen to develop cooperation with Kyrgyzstan. It's very good experience. We have base for this. We are similar nations. We have a lot of common characteristics. Our even political buildings, our intention to democracy is similar. So we have a lot of opportunities to do more common things for development too. कार्यक्रम की शुरुआत सीडी फाउंडेशन की डायरेक्टर रही चारुदास ने की। इस मौके पर चारुदास ने ग्रीन तुलसी टी को भी लॉन्च किया। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा चारुदास ने, आइए सुनते हैं। We have hosted Coffee Morning for Embassy of Kyrgyzstan today. It was hosted by CD Foundation under the flagship of Entrepreneurs Club World and Us, which is an online networking platform. I'm very thankful to His Excellency for collaborating in such short notice. And I think India and Kyrgyzstan has many, many, many common interests. And we should be, actually there should be more tourism exchange. There should be more trade exchange. We should have access to more of your delicious fruits. We should have access to more of your delicious places. हमने शुरुआत दो मेंबर्स से की थी, डैन इंटरनेशनल जो टी एंड स्पाइस ट्रेडिंग करते हैं, अजय और निखिल हैं वहाँ, और गौर हरियन को जो डायमंड मर्चेंट है। एंड अभी हमारे पास 9 मेंबर्स हैं, उनमें से जो आज हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं दे आर ट्रैवल किंग हॉलीडेज, दिवेश गुप्ता हैं, वो ट्रैवल पार्टनर हैं हमारे वहाँ किर्गिस्तान में। वो टूरिज्म डेवलप करेंगे, एक वेडिंग डेस्टिनेशन का ऑप्शंस देखेंगे। अभी जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स क्लब के मेंबर्स हैं वहाँ टूरिज्म प्रमोट करेंगे थ्रू ट्रैवल किंग हॉलीडेज, एंड टी एंड स्पाइस करेंगे थ्रू डैन इंटरनेशनल, और मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर खोल रही हूँ वहाँ। इस पूरे कार्यक्रम को सम्राट मल्टी वेंचर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। इस कंपनी के सीईओ सम्राट सिंह भी मौजूद रहे। सम्राट सिंह ने कार्यक्रम को लेकर और चारुदास को लेकर क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए, आइए सुनते हैं। Coming and talking to people, so I was about to say something else about my profession, my business, and everything, but I don't know why. Suddenly, अभी आपको देखा तो मेरे बहुत सारे thought process of change. अपने विंग्स को और एक्सपांड करने का, और ये कहीं ना कहीं पर कोविड के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहला एक सबसे बढ़िया इनिशिएटिव है जो चारुदास ने लिया है यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं पे एक कॉफ़ी मॉर्निंग जहाँ पर हम नेशनली होकर के इंटरनेशनल जगह पर जाकर के अपनी चीज़ों को एक्सपांड कर सकते हैं। वो कि आज की स्पॉन्सरशिप को करने का, कि आज आप सब लोगों से मुलाकात होती है और बहुत लोगों ने अपने यहाँ पे जो विचार एक दूसरे से एक्सचेंज किए हुए हैं, और जिस वजह से इंडिया में और एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हुई है किर्गिस्तान जैसी एक कंट्री के अंदर में, बहुत सारे मल्टी वेंचर्स के अंदर में अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, वो चाहे सॉन्ग को लेकर के हो, टी एंड स्पाइसेस को एक्सपांड करने के लिए चीज़ें हो। टुडे इज़ आवर फर्स्ट कॉफी मॉर्निंग पोस्ट कोविड, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। टुडे इट वॉज विद हिज हाइनेस एम्बेसडर ऑफ किर्गिस्तान,
We have exchanged cultures with Kyrgyzstan and looking forward to going to Kyrgyzstan to probably, you know, do a lot, whole lot of fashion related work. And Entrepreneurs Club is setting up a wellness center, Ayurveda wellness center in Bishkek, Kyrgyzstan. So that would be our first project in Bishkek. So really, really looking forward to go there and have a nice time. No, I have been a part of mostly all her events, and today I'm very proud ki jab lockdown ke baad, after the lockdown, this is the first physical event which has happened by CD Foundation, and I'm again here, and I feel that, you know, we are both lucky for each other, like a lucky charm I'm here, and I got to meet His Excellency, the Ambassador of Kyrgyzstan, and got to know so much more about Kyrgyzstan and the beautiful places. I belong karta hun, aur mera jo background hai, wo ek civil engineer ka hai. Jab maine is business ke start ki, main charo mein se mila tha, to mera tea and spices ka mera दूर दूर तक को लेना देना नहीं था. हमने स्टार्टिंग से बिगनिंग की, जैसे फर्म कैसे रजिस्टर करते, हर चीज़ अपना पेपर वर्क, जो लाइसेंसिंग एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, हमने सारे पेपर वर्क पूरे किए. उसके बाद फिर नॉलेज की बात आई कि नॉलेज हमें कैसे वो करनी पड़ेगी, जो एक्सपोर्ट का था कि एक्सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कैसे वहाँ से हमें बिजनेस लेना है. मेरा नाम अजय और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और आज से पहले मैं 4-5 साल पहले भी मैं बिजनेस कर रहा था, पर इतना बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिला मेरे को, जिसमें सी डी फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है. और मेरे जैसे और भी यंग ब्लड हैं, जो आज के कोरोना के टाइम पे लोगों के पास इतने लोन हो गए हैं, लोन नहीं चुका पाए, बिजनेस ठप हो गए हैं, मार्केट बेकार हो गई है, और हम जैसे एंटरप्रेन्योर क्लब जो वर्ल्डनेस है, हम जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है. अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जुड़े रहे दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हर खबर है.